टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल, डोंट मिस अपडेट्स। दोस्तों दो वेबसाइट हैं, एक रियल है और एक फेक है। दोनों का यूआरएल भी सेम है और दोनों में HTTPS भी लगा है। कैसे हो सकता है ये और कैसे बचें ऐसे अटैक से, आइए बताता हूं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। दोस्तों नॉर्मली किसी भी वेबसाइट को फेक चेक करने के लिए हम उसके यूआरएल में HTTPS चेक कर लेते हैं। भाई एस है तो सिक्योर है वेबसाइट और एस नहीं है तो वेबसाइट कम सिक्योर है। इसके अलावा हम उसका SSL एक्सपायरेशन सर्टिफिकेट भी चेक करते हैं। ये भी कहा जाता है कि यूआरएल में कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक जरूर की गई होगी, जैसे कि apple.com को apply.com कर दिया या उसमें डबल एल लगा दिया या डबल ई लगा दिया, ऐसा कुछ करके भी अटैकर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। परंतु जिस तरह पुराने ऑल आउट से नए मच्छर नहीं मरते ना, उसी तरह इन पुराने तरीकों से नए अटैकर पकड़ में नहीं आते हैं। चाइनीज सिक्योरिटी रिसर्चर जूडोंग जेंग, आय हाय मेरी जी मुड़ गई ये नाम लेने से, जूडोंग जेंग जी ने करके दिखाया। उनके अनुसार उन्होंने एक डोमेन रजिस्टर कराया जो एप्पल के इक्विवेलेंट है। उन्होंने कहा है कि apple.com में जो ए प्रयोग होता है वो सिरिलिक ए है, परंतु इन्होंने जो डोमेन रजिस्टर कराया उसमें जो ए है वो ASCII है, यानी इसका यूनिकोड डिफरेंस है। परंतु जब आप URL देखोगे, जब इस वेबसाइट को खोलोगे तो दोनों का URL एकदम सेम मिलेगा, apple.com और HTTPS भी। एक और बात, इसे होमोग्राफ अटैक कहते हैं। अगर आप सफारी ब्राउजर की बात करें तो सफारी ब्राउजर में तो ये नहीं हो रहा है, परंतु बाकी क्रोम, ओपेरा, बाकी सभी ब्राउजर में apple.com ही शो हो रहा है। फिशिंग अटैकर इसका प्रयोग कर रहे हैं। जब आप इस URL को, जो फेक URL है, इसको आप MS Word में पेस्ट करोगे ना तो एक्चुअल URL आपको दिख जाएगा। यदि आपका फोन है तो फोन के मेमो में आप करके देखें, कॉपी पेस्ट करना, तो आपको एक्चुअल URL दिख जाएगा। तो फिशिंग अटैकर यहां तक पहुंच गए हैं। ऐसा करने से आप रियल और फेक लिंक में डिफरेंस नहीं कर पाओगे, तो भैया क्या करें? भाई सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि आपको कहीं से भी कोई लिंक आए ना, आपको मैसेज आए, ईमेल आए, हाइक आए, व्हाट्सएप आए, कहीं से भी कोई लिंक आए, आप किसी पर भी क्लिक ना करें। और शॉर्ट लिंक आपको मिलता है, मेल आता है, तो लिंक एक्सपेंडर वेबसाइट पर जाकर उसको एक्सपेंड भी कर लें, देख लें एक्चुअल लिंक क्या है। और सबसे बड़ी बात कि आपको apple.com पे जाना है, amazon.com पे जाना है, तो आपको गूगल में जाके डायरेक्ट लिखो जो भी आपके बुकमार्क्स हैं, या डायरेक्ट आप गूगल पे उसको खुद सर्च करो। किसी भी लिंक से आप किसी भी वेबसाइट पर ना जाए, वहां पर अपनी जो डिटेल्स हैं उनको ना भरें बिल्कुल भी नहीं, और किसी दिए गए लिंक पर तो पेमेंट बिल्कुल ना करें। मुझे आशा है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो सब्सक्राइब करके चले जाना। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा, जब जब वो गोबर फेंकने आती थी हम उसे देखते थे और वो हमें, जब जब वो गोबर फेंकने आती थी हम उसे देखते थे और वो हमें, एक दिन उसके बाप ने भैंस बेच दी। लव स्टोरी खत्म।